हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है हमें कि आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्त, आप लोग की दुआ से फिर से मैं आ चुका हूँ माँ कामाख्या के दर पे, स्थान पे। तो दोस्त, हमारे आगे कुछ बोलने से पहले, अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्त, मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं नया। तो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं कि माँ कामाख्या भवानी का जहां पे हैं वहां तो बहुत जंगल है, बट उससे भी अच्छा आज जो हमारे वाइफ का भाई है बड़ा वाला, वो आज परिक्रमा कर रहा है। तो इसने माँ कामाख्या भवानी का कुछ माँ कामाख्या भवानी से कुछ मांगा था तो सो इसे प्राप्त हो गया। तो उसी लिए आज ये परिक्रमा कर रहा है। तो हम लोग रात के 3 बजे उठे हैं और परिक्रमा स्टार्ट किया 3:49 पे, तो जो कि इसकी दूरी 5 किलोमीटर दूर से हम लोग आ रहे हैं पैदल। और ये हमारे भाई जो है कि ऐसे लेट करके आ रहे हैं, हम लोग तो पैदल आ रहे हैं पर ये इनका मानता था माँ कामाख्या भवानी का, तो इनको ऐसे ही आना पड़ रहा है, ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो दोस्त, हम आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे और नया नया लोकेशन, नया नया जगह दिखाएंगे। तो दोस्त, आप लोग भी कभी यहाँ पे आइए माँ कामाख्या भवानी पे, जो यहाँ आने से बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्त, तो भाई, जब मैं अगली बार माँ कामाख्या भवानी के स्थान पे आया था तो आप लोगों को कुछ मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे भीड़ बहुत है, नेक्स्ट टाइम पर जाएंगे तो हम आपको उनकी मंदिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो सो वो आज दिन आ गया, तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं भाई को, 5 किलोमीटर कम नहीं हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कितना हुआ। तो और सबकी बस की बात भी नहीं है कि ये लेट करके ऐसे चलना, बहुत कठिन काम है मेरे दोस्त। तो लेकिन अब ये माता रानी के आशीर्वाद से यहाँ तक आ चुके हैं। अभी इनको अभी नदी में जाकर स्नान करना होगा, जो स्नान करके फिर जाएंगे माँ कामाख्या भवानी के स्थान पर, ये प्रसाद चढ़ाएंगे। तो दोस्त, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि माँ कामाख्या भवानी के दर पे आप ही आइए घूमते, और आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, जो यहाँ आएगा माँ कामाख्या भवानी उसका भी भला करेगी और जो नहीं आएगा उसका भी भला करेगी। बट क्या है कि अभी हम लोग तो आपकी आशीर्वाद से और माँ कामाख्या भवानी की महिमा से यहाँ अभी आते रहते हैं। और आप लोग देख, अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं कि यहाँ जो नदी की धारा है, पहले तो बहुत कम थी, अभी तो बहुत बढ़ चुकी है। तो आपको हम दिखाते हैं कि कितना तेज़ धारा इसका है और कितना तेज़ बह रही है। तो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्त, मैं आ चुका हूँ नदी, नदी में अभी स्टीमर भी चल रही है, पानी नाव। तो दोस्त, धारा भी बहुत तेज है अभी। तो ये भाई भी आ चुके हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा बचा है, माँ कामाख्या भवानी इसका भी पार करे। देख सकते हो, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लाइक
चलते हैं धीरे धीरे करके आप लोग को दिखाते हैं, जो कि यहाँ बहुत भीड़ होता है और ये बहुत गहरी है, बहुत तेज बहाव इसका है, जो कि ये स्टीमर है यहाँ चलती है हम लोगों के लिए, सेवा के लिए है। तो देख सकते हैं नदी कितना तेज बहाव है अभी, बने रहिए। और अभी आपको तो बहुत कुछ दिखाना है हमें, तो वीडियो पूरा देखना। तो अभी हम चलते हैं धीरे धीरे करके माँ कमरकंदवानी का स्थान पर, जहाँ पर वो है उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा पूरा देखते रहना, बिना स्किप करे। तो दोस्त देख सकते हैं मैं यहाँ प्रसाद लेकर माता जी के स्थान पर जाके समर्पित करता हूँ अभी। तो दोस्त मैं आ चुका हूँ माँ कमरकंदवानी के स्थान पर, तो आप लोग देख सकते हैं। नहीं भैया हम जा रहे हैं, तो बाबा मैं टीका लगाने जा रहे हैं। तो दोस्त मैं पहुँच चुका हूँ, जो कि तो बहुत भीड़ है अभी यहाँ, फिर भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है, तो चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया तो इसलिए बहुत भीड़ हो चुकी है दोस्त। जाने के लिए अभी जगह नहीं बचा है थोड़ा भी, तो इसलिए मेरा दीदी का भाई ये प्रसाद चढ़ा दे रहा है। तो इस मंदिर में आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्त अभी वीडियो को करते हैं एक एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा नमस्कार, खुश रहिए। जय माँ कमक्खन भवानी की।